इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना फेसबुक एड्स का जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको चार चीजें दी हैं और ये चार चीजों की मदद से आप अपना फेसबुक एड्स का जो रिजल्ट है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप एंड तक देखो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और इनके पीछे का लॉजिक समझ में आए, क्योंकि देखो फेसबुक एड्स पूरा लॉजिकल है। अगर आप सही तरीके से एड्स को रन करोगे तो रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ेंगे, और अगर आप अंधाधुंध एड रन कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, तो फिर चांसेस बहुत कम है कि आपके एड्स रन करें। हाँ, एक दो बार तुक्का भिड़ जाए तो भिड़ जाए, नहीं तो ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आपके जो एड्स हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चार चीजें बताने वाला हूँ। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोज देखने को मिल जाए, एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। बाकी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अपने कैंपेन को परफॉर्मेंस हाई करना चाहते हो या फिर आपके एड्स की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स रहेगा आपके लिए दैट इज कि आपके पास हाई सीटीआर क्रिएटिव हो, यानी कि ऐसे एड्स, ऐसे क्रिएटिव जिनका सीटीआर काफी अच्छा है, जहां पर लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं आपके एड के ऊपर, तो वो चीज आपको क्रिएट करनी होगी। और अभी के टाइम पे 2023 के टाइम पे जो सबसे बेस्ट चीजें चल रही हैं दैट इज रील्स और वीडियोस, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं आपके ब्रांड के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, देन चांसेस आर कि आपके एड का सीटीआर काफी अच्छा रहेगा और आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए रील शूट्स कर लो। रील शूट्स करना, देखो अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियो शूटिंग चाहिए, आप नॉर्मल वीडियो शूट्स भी अगर करते हो तो भी वो चल जाएगा, ठीक है। बट अब ऐसा होना चाहिए कि भाई एक्सेप्टेबल हो, जिस टाइप की रील्स वगैरह आप देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, उस टाइप की रील्स अगर आप बना पाओ आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के लिए, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और आपके पास अगर वीडियोस वगैरह हैं तो वो भी आप इंस्टाग्राम पर रन कर सकते हो। ये जो दो चीजें हैं, अभी हमारे जो भी ब्रांड्स हैं, जिन ब्रांड्स के लिए हम काम करते हैं, डेकोर ब्रांड्स, ज्वेलरी ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, जिन भी ब्रांड्स के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके लिए ये जो चीज है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल दिख रही है हमें, तो हम उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप इनको ट्राई आउट कर सकते हो, चाहो तो आप कैरोसेल या फिर इमेज को भी ट्राई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। बट अभी के लिए अगर आपको सीटीआर थोड़ा हाई चाहिए तो मेक श्योर कि आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करें, जिसकी मदद से आप अपना सीटीआर हाई कर सकते हो और ज्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट तक पहुंचा सकते हो। देन सेकेंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखी हुई है कि टाइम इज इंपॉर्टेंट। द थिंग इज कि व्हेन पीपल रन एड्स दे डोंट गिव टाइम टू देयर यू नो कैंपेन्स, देयर एड सेट। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि आप अपने एड सेट को, अपने एड सेट को, अपने कैंपेन को टाइम प्रोवाइड करो। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपने एड सेट को किल कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे होता यह है कि कोई भी एड सेट अपना बजट पूरा स्पेंड नहीं कर पाता। जो टारगेटिंग उसमें की गई है, जो भी टारगेटिंग आपने की है, उस पे अच्छे से स्पेंड नहीं होता है, वो सही लोगों तक आपका एड पहुंच ही नहीं पाता, और उसके पहले ही अपने एड्स को बंद कर देते हो। अगर आपका एड सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है या उतना बजट ही नहीं स्पेंड कर रहा, उसके पहले ही आप बंद कर दे रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि यार ये तो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो गलती यहां पर फिर आपकी है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला है ना, उसको मनी मिला। तो मेक श्योर कि वो चीज आप देखो। सेकेंडली, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर आप सीबीओ रन करते हो तो सीबीओ में अगर आप कुछ एड सेट आपने बनाया हुआ है और वो एड सेट स्पेंड नहीं कर रहा है, और आपने कहा कि ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई उसने स्पेंड कितना किया है। एटलीस्ट 3x या फिर 2x, 2.5x तो स्पेंड करने ही दो आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसका, ठीक है। सेकेंड चीज की आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कितना आप खर्चा कर सकते हो फेसबुक एड्स में एक परचेज के लिए मैक्स, ठीक है, कि आप मैक्स कितना खर्चा कर सकते हो एक प्रोडक्ट के लिए। अगर उतना भी कोई एड सेट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा और टाइम दे सकते हो कि क्या ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अब सबके लिए अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट होता है, किसी के लिए हो सकता है 200 रुपए ही ब्रेक इवन पॉइंट हो, किसी के लिए 400 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट हो, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि भाई आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। थर्डली इज कि आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, कि आप डेटा को एनालाइज करो कि भाई क्या डेटा फेसबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या सीटीआर है, क्या सीपीएम है, कितना सीपीसी आ रहा है, कितने लैंडिंग पेज व्यूज हो रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी है डेटा, इन डेटा को आपको एनालाइज करना आना चाहिए। और इस डेटा को एनालाइज करने के बाद अपने नेक्स्ट एड को क्रिएट करोगे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो डेटा को एनालाइज नहीं करते और एड्स नहीं परफॉर्म करते, उसको बंद करते नहीं बनाते हैं, बंद करते नहीं बनाते, लेकिन वो डेटा देख ही नहीं रहते कि डेटा क्या कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है। तो अगर आप भी अभी फिलहाल ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप चाहो तो आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हो। thrivelabs.in पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां पर जाइए एंड वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड इफ यू आर एलिजिबल, ठीक है, या फिर हमें लगेगा कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम आपसे कनेक्ट करेंगे। तो मेक श्योर दैट यू विजिट thrivelabs.in एंड आप वहां से हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो, जहां पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, हम आपके लिए सारे ऑर्डर्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट आवर सर्विसेज। नाउ थर्ड थिंग इज प्लेसमेंट, कि आपकी प्लेसमेंट्स क्या है, यानी कि किस तरीके की प्लेसमेंट्स आप यूज कर रहे हो। अभी के टाइम पे
मार्केट में एड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, और अगर आपको ये चाहिए कि भाई आपके एड्स परफॉर्म करें तो आपको हर लेवल पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर प्लेसमेंट की टेस्टिंग अगर आप देखो तो ये आप प्लेसमेंट में क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज कि आप सारे प्लेसमेंट टेस्ट करो, यानी कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो होता है, या अभी के लिए जो फेसबुक ने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट कर दिए हैं, तो आप वो चीज कर सकते हो कि भाई ऑटोमेटिकली फेसबुक खुद से सेलेक्ट करे कि उसके उसको एड कहाँ पर दिखाना है। आपका जो इमेज का फॉर्मेट या वीडियो का फॉर्मेट कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रन कर सकते हो कि भाई फेसबुक तुम डिसाइड कर लो कहाँ पर रिजल्ट मेरे को बेटर मिलेंगे, और वहां से तुम मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेकर आ जाओ। ठीक है, तो इसके लिए आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट चेक करिए, और अगर आपके पास रील्स है तो आप रील्स एंड स्टोरी ओनली प्लेसमेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। कुछ एड्स के लिए हमारे लिए ये बहुत ही बेटर परफॉर्म किया था, जहां पर हमने केवल रील्स एंड स्टोरी ओनली पर एड्स रन किए हैं। तो प्लेसमेंट टेस्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कहाँ पर देख रहे हो, प्लस जब आप अपने एड्स को रन कर लेते हो थोड़े टाइम तक, तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हो और देख सकते हो कि किस लेवल पर, जो आप कह सकते हो किस लेवल पर ज्यादा से ज्यादा आपको सेल मिल रही है। अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है तो शॉपिफाई भी आपको बता देता है कि आपको ज्यादा सेशन कहाँ से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ज्यादा सेशन इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरा फोकस इंस्टाग्राम पर रख सकते हो। लेकिन ये आपको तब करना है जब आपने स्पेंड कर लिया है, मान लो आपने किसी प्रोडक्ट या किसी पे 1-1.5 लाख रुपए स्पेंड कर लिया है, तब आपको ये करना है। ऐसा नहीं कि आपने 10-15 हज़ार रुपए खर्च किए हैं और उसमें आपको लग रहा है कि अरे तो फेसबुक से ज्यादा हो रहा है, तो चलो पूरा फोकस फेसबुक पे ही कर लें, क्योंकि अभी आपके पास डेटा ही बहुत कम है। ठीक है, तो वो चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई बात हमारी प्लेसमेंट की। एंड नाउ फोर्थ इज टारगेटिंग एंड कॉपी। तो टारगेटिंग की मैं सिंपल सी बात करता हूँ भाई, कि आपको अभी के लिए ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, ज्यादा नैरो लेयरिंग ये सब मत करो, ब्रॉड टारगेटिंग करो, तो वो आपके लिए काफी हेल्प करेगी। ठीक है, कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड जा रहे हो, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है टारगेटिंग के ऊपर, कि भाई आपका एड सही लोगों तक पहुंचेगा, एंड वहां पहुंचने के बाद वो आपको काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। नाउ कॉपी की बात करूं मैं, तो आप आइडिया को फॉलो कर सकते हो, विच इज बेसिकली अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एंड एक्शन। यहाँ पर आप लोगों का अटेंशन कैच करोगे, इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, डिजायर क्रिएट करोगे, और फिर अपना एक कॉल टू एक्शन प्लेस करोगे लोगों के सामने। आइडिया के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है कॉपी राइटिंग के ऊपर, तो आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। आई वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आई पे क्लिक करो और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप आइडिया के लिए आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हो कॉपी राइटिंग फ्रेमवर्क के लिए, कि आप कैसे अच्छी कॉपी लिख रहे हो, या फिर आप मार्केट रिसर्च करके भी अच्छी कॉपी निकाल सकते हो। नाउ थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि आपकी हेडलाइन में एक अच्छा हुक होना चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट हेडलाइन लिखिए, ऐसा नहीं कि हेडलाइन इतनी लंबी हो रही है कि पूरा हेडलाइन ही नहीं पढ़ने में आ रही। ठीक है, हेडलाइन में अपना हुक रखोगे तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करने वाला है, कि जितनी बेटर आपकी हेडलाइन उतना ज्यादा चांसेस होता है कि लोग आपकी प्राइमरी टेक्स्ट को पढ़ेंगे। हेडलाइन थोड़ी सी हाईलाइटेड रहती है तो लोग हेडलाइन को ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो मेक श्योर कि आपकी जो हेडलाइन है, हेडलाइन में काफी अच्छा एक हुक होना चाहिए। जब वो हुक रहता है तो लोग आपके प्राइमरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, आपके एड को पूरा देखते हैं क्लियरली, फिर आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, देन अगर प्रोडक्ट वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज्ड है, सारी चीजें सही है, तो आपको वहां पर सेल भी मिल जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी टारगेटिंग और आपकी कॉपी बेटर रहे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये हमारी चार चीजें हैं जिनका आप यूज कर सकते हो टू गेट बेटर एट योर फेसबुक एड्स। प्लस अगर आपको और ज्यादा अच्छा होना है फेसबुक एड्स में, तो ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लस अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट tribelabs.in पर जा सकते हो, एंड यू कैन यू नो कनेक्ट विद अस फॉर द सर्विसेज पार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी।